वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और आज हम लोग आए हैं किसी के बर्थडे पार्टी में, बारबेक्यू में। देख सकते हैं इसका रेस्टोरेंट बारबेक्यू में। और आपको बता दें कि ये बारबेक्यू कहाँ है, ये आपको आर ब्लॉक चौराहा के पास जूडियो मॉल है। जूडियो मॉल बहुत ही अच्छा मॉल है और नामी मॉल है जूडियो। उसके सबसे टॉप फ्लोर पे एट फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। और हम लोग आए हैं आज अल्तमस जी के बर्थडे में, ये लोग सरप्राइज पार्टी उनको दे रहे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और आज हम लोग बारबेक्यू से वीडियो से शूट कर रहे हैं। और देख सकते हैं आज अल्तमस जी का बर्थडे है और उनके लिए ये बुके हम लोग लाए हैं खरीद के। और युवराज जी बताइए कि अभी कहाँ हैं हम लोग? और अभी हम लोग हैं पटना के बारबेक्यू नेशन में। हमारे अजीज मित्र अल्तमस जी का बर्थडे है, मेरे तरफ से ये बर्थडे पार्टी आयोजन किया गया है उनके बर्थडे के लिए। जो होस्ट के नाते हम पहले बर्थडे बॉय अभी आए नहीं, वेट कर रहे हैं। हर जगह वो 15-20 मिनट लेट होते हैं। हीरो का एंट्री लेट ही होता है, बर्थडे उनका तो हीरो ही है। का बात है, बाकी आपको दिखाते हैं बारबेक्यू नेशन पटना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है फाइन डाइनिंग का। और लिटिल बिट कॉस्टली है बट ऑसम जगह। देखिए आ गए हमारे बर्थडे बॉय। और बर्थडे बॉय थोड़ा लेट हो चुके थे, हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और युवान को तो बर्दाश्त ही नहीं रहता, भूख बोला था मामा मुझे खाना दो। फिर युवराज लोग सबको हम लोग गिफ्ट दिए उनको। और हम लोग गिफ्ट में उनके लिए एक ब्लू कलर का प्यारा सा शर्ट खरीदे हैं। जब अल्तमस जी पहनेंगे तो आपके साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ के अभी हंसी मजाक कर रहे हैं। दो तीन बार सबका बर्थडे बहुत तकलीफ में बन रहा था, बोले कि इस बार सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। लेट क्यों हो गया इतना आने में? और एक बात के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हम 8-9 मिनट का वीडियो खुद ही नहीं बनाते फ्रेंड्स, लेकिन क्या है ना कि अगर इस रेस्टोरेंट का सारा नहीं दिखाते तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि इस रेस्टोरेंट क्या क्या खिलाता है और क्या कैसे क्या इन्वायरमेंट है इसका। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो फ्रेंड्स, तब समझ में आएगा कि वीडियो में अगर हम छोड़ देते तो क्या स्किप कर देते। इसलिए आप लोग को दिखाने के लिए हम पूरा वीडियो फिर भी हम भगा के वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ चिकन का इतना सारा वैरायटी था जो कि ये देख रहे हैं कोयला का बीचों बीच डाल देता है और उस पर रोस्ट करके चिकन को लाता है। चिकन कबाब, मछली, फिश और एक इचना मछली होता है, हम लोग हिंदी में इचना मछली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या तो वो बोल रहा था, वो नाम याद नहीं है भाई, याद नहीं तो क्या ही बताए। तो मतलब मछली था, मटन था, फिश था और चिकन था। और उसके बाद हम बोले ना कि इतना चिकन हम खा नहीं पाएंगे, हमको थोड़ा सा कुछ भेज ला के दीजिए। तो भेज में भी वो बहुत सारा ऑप्शन, ये देख रहे हैं ये बेबी कॉर्न है, मतलब मकई को छान दिया जाता है कॉर्न फ्लावर का आटा डाल के। बहुत हमको तो अच्छा लग रहा था, पता नहीं इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, हमको तो बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद कबाब था जो कि कबाब सोयाबीन का बना हुआ था, आटा का कबाब। देख सकते हैं इतना सारा चिकन, हमको तो उतना नाम भी पता नहीं है चिकन का, जितना सारा चिकन का आइटम था। ये देखिए ये क्या है, पाइन एप्पल को भी रोस्ट करके दिया गया था। पाइन एप्पल था, फिर जो मकई होता है, जो मकई भुट्टा हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स, उस भुट्टा को काट काट करके उसको रोस्ट करके दिया। देखिए ये पाइन एप्पल है, भुट्टा है, सब दिया था बेच में। ये सब मतलब इतना सारा आइटम बारबेक्यू में खिलाया जाता है कि आप खा खा के लिटरली मर जाइएगा इतना खिलाता है। अगर आप एक दो पीस भी खाते हैं फिर भी वो इतना ज़्यादा हो जाता ना कि सांस एकदम मुश्किल हो जाता है। हम बोले पनीर ला के दो भाई, सूप ला के दो, फिर मेरे लिए सूप ला के दिया तो हम सूप पिए। हमको सूप रेस्टोरेंट का अच्छा लगता है, वो लोग बहुत अच्छे से सूप बनाता है, तो सूप पिए। उसके बाद आज लाइफ में पहली बार फ्रेंड्स, हम किसी को नहीं बताए, आप लोग के साथ शेयर करें, लाइफ में पहली बार हम वो जो ग्रीन वाला कोबी होता है ना वो हम खाए। हम कभी इससे पहले क्या बोलते हैं उसको युवान, अभी जो बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और केक हम लोगों को मिला है और अभी हम लोग बर्थडे इनका सेलिब्रेट करेंगे।
फ्रेंड्स, हम इनका वीडियो बना रहे थे क्योंकि वीडियो बनाना भी तो जरूरी है, कोई ना कोई तो वीडियो बनाए, इसलिए हम वीडियो बना रहे थे इनका। और केक कटिंग हुआ, अभी सबको खिला रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को केक खिलाएंगे। देखिए युवान बाबू बहुत एक्साइटेड थे, चाचू मुझे केक खिलाओ। कैसा लगा था खाना युवान? मस्त, पूरा खा लिया। युवान खा के बोलता था, मम्मी मेरा पेट फट रहा है, इतना हम खा लिए, बहुत मजा आया। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट जरूर महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए फिर हम लोग आए फुचका खाने, क्योंकि टेबल पे 5 ही फुचका हम लोगों को दिया था, इसलिए हम लोग बोले कि फुचका खिलाओ। यहाँ पे लिट्टी और मुर्गा मनाया जा रहा था, लिट्टी मुर्गा, लेकिन हम लोग खाए नहीं। वो कितना मुर्गा खाए, बहुत मुर्गा हो गया था भाई। उसके बाद फिर हम लोग फुचका खाए, बोले कि फुचका बना दो। देख सकते हैं किस तरीके से पानी पूरी बना रहा, एकदम डिजाइन स्टाइल में, बीच में पानी, 5 फुचका ऊपर से रख देता है, आलू भर के आप लोग खा लीजिए। उसके बाद हम बोले भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक दे दो मुझे, हम एक पूरी ले करके खा लिए। उसके बाद फिर फोन पानी पूरी, देखिए युवराज जी पानी पूरी को टेस्ट कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लगा। हम बोले अल्तमस जी आप भी खाइए, हम वीडियो बना रहे हैं एक हाथ से। तो अल्तमस जी खाए, फिर जेवा मना कर दी खाने के लिए। फ्रेंड्स, जेवा ऐसे ही पतली नहीं है, बहुत खाने में बहुत चूजी है, और होना भी चाहिए गर्ल्स को, तभी तो स्लिम ट्रिम रह सकते हैं। लेकिन हमको तो है कि हर चीज़ खाना पसंद है। बोले जेवा जी आप पकड़ लो, हम खा लेते हैं, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है। तो फिर जेवा पकड़ी, उसके बाद हम एक खा लिए। अल्तमस जी बोले अब हम नहीं खाएंगे भाभी। फिर युवराज को दिए, तो युवराज एक पूरी खाए, दूसरा पूरी हम बोले कि हमको खिला दीजिए प्लीज़, मेरे एक हाथ में फ़ोन है, तो वो हमको खिला दिए। फ्रेंड्स, जो एक्चुअल नेचुरली जो भी वहाँ हुआ वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ देखिए स्वीट में केक, 2-3 तरह का केक है, पुआ है, फिर एक ब्रेड वाला कुछ था ना, वो हमको बहुत टेस्टी लगा। ब्रेड वाला ये जो ऊपर में देख रहे हैं, ब्रेड वाला ये बहुत मस्त था। खीर था, ब्राउनी था, बहुत कुछ था। मिठाई में भी इतना, ये देखिए चिकन करी है, मटन करी है, पनीर है, दाल मखनी है, चावल है, बहुत तरह का मिक्स वेज है, गोभी का सब्जी था, बहुत कुछ था खाने में, उतना प्लेट में नहीं आटा, चाउमीन था, मतलब इतना था ना कि आप खा नहीं सकते, खा के लिटरली मर जाइएगा। 1000 रुपया लिया फ्रेंड्स, लेकिन 1000 रुपये से बहुत ज़्यादा बढ़ के ब्रोकली, जो आज तक हम कभी नहीं खाए थे, वो पहली बार इस रेस्टोरेंट में हम ब्रोकली खाए, हम कभी नहीं खाए थे। देखिए गुलाब जामुन है, मूंग दाल का हलवा है, ब्राउनी है, हर चीज़ बहुत बहुत मेरे प्लेट में देख सकते हैं क्या क्या है। इतना वैरायटी खाया भी नहीं गया, लेकिन ये जो ब्रेड वाला था ये ऑसम था फ्रेंड, बहुत मस्त। और उसके बाद हम लोग कुल्फी के साथ अपना खाना कंप्लीट किए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमको खुश